नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के विदिशा में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पोषण अभियान लाइव किया। मध्य प्रदेश शिवराज सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में पोषण अभियान महिला बाल विकास के द्वारा लाइव टेलीकास्ट किया गया और लाडली लक्ष्मी योजना के सर्टिफिकेट बांटे गए, जिसमें विदिशा के आंगनवाड़ी सेक्टर वार्ड नंबर 24 में सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाएं उपस्थित थीं एवं हितग्राहियों को लाडली सर्टिफिकेट बांटे गए और मुख्यमंत्री के संबोधन को लाइव सुना गया, जिसमें मुख्य रूप से उपस्थित विदिशा ग्यारसपुर जनपद अध्यक्ष व भाजपा के वरिष्ठ नेता छत्रपाल शर्मा, भाजपा युवा नेता शुभम शर्मा व पार्षद नवनीत कुशवाहा आदि शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती राखी जैन, राशिदा खान, सीमा शर्मा, लक्ष्मी दांगी, कमला सोनी, नफीशा बी, संगीता शोले के द्वारा किया गया। विदिशा संवाददाता सौरभ दुबे की रिपोर्ट। नंबर 22 में सभी आंगनवाड़ी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के दूसरे दिन माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुसार पोषण महोत्सव यहाँ पर मिलकर मनाया, जिसमें सभी आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता और बच्चे यहाँ पर उपस्थित हुए। पोषण आहार उनको वितरित किया गया एवं जो लाडली लक्ष्मी का सर्टिफिकेट दिया जाता है वो सर्टिफिकेट दिया गया। और जिस तरह से मध्य प्रदेश में कुपोषित बच्चों को कुपोषण से दूर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब एवं मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही है उसको बढ़चढ़ का हिस्सा देने के लिए हमारी सभी बहनें यहाँ पर एकत्रित हुई हैं और उनके साथ हमारे भाई शुभम जी, हमारे पार्षद जी, नवनीत जी, सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पर उनको ये बताया कि अपन अगर अपने बच्चे कुपोषित नहीं होंगे, स्वस्थ होंगे, तो अपना मध्य प्रदेश जिला और देश स्वस्थ होगा। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, अपने बच्चों को स्वस्थ रखें और कोरोना काल में जितना हो सके बचाव के साथ रहें और अपनी सुरक्षा अपन को करना है, क्योंकि 2020 की जो साल है इसमें भारी महामारी का संकट है। उससे बचने के लिए हमें खुद प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि सरकारें तो अपना काम कर रही हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आज अपन करेंगे तो ही अपन स्वस्थ रहेंगे। आप सब स्वस्थ रहें, भगवान से कामना करता हूँ। धन्यवाद।